Pawan sir, we are live on all platforms. भाई शुरू करिए जी एक सेकेंड। आपको आवाज आ रही है? करिए आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ गई। नमस्कार साथियों, आपको एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया, आप आए, इसके लिए धन्यवाद। आज बहुत एक गंभीर मुद्दा लेकर हम आपके सामने आए हैं। भाजपा के बेंगलुरु के सांसद व भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या नरेंद्र मोदी जी के चहेते आंखों के तारे माने जाते हैं। उनके एक चाचा हैं जो तीसरी बार के विधायक हैं, उनका नाम है रवि सुब्रमण्यम। बसावनागुड़ी नाम का उनका विधानसभा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के वे स्वयं भी एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कर्नाटक। आज उनको लेकर एक प्रकरण, चौंका देने वाला प्रकरण सबके सामने आया है। स्थानीय मीडिया में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ टेप उनके लीक हुए हैं। रवि सुब्रमण्यम नाम है उनका, तीसरी बार के विधायक हैं बसावनागुड़ी से, और तेजस्वी सूर्या जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं बेंगलुरु से, उनके चाचा हैं। सरेआम उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो कि लीक हुई है, अस्पताल, एक निजी अस्पताल की सुपरवाइजर एक व्यक्ति को फोन पर बताती हैं कि वैक्सीन, प्रति वैक्सीन शॉट एक डोज की कीमत 900 रुपए से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 700 रुपए इन महाशय रवि सुब्रमण्यम को देने होते हैं। यह रिकॉर्डिंग्स सार्वजनिक पटल पर हैं, यह रिकॉर्डिंग्स स्थानीय मीडिया में दोपहर से चल रही हैं। इन रिकॉर्डिंग्स का की एक भूमिका है, ये जो आज सबके सामने बात आई है इसकी एक भूमिका भी है। 700 रुपए कहा जा रहा है कि रवि सुब्रमण्यम को देने पड़ते हैं प्रति टीका। कुछ दिन पूर्व इनके भतीजे युवा सांसद तेजस्वी सूर्या बड़े बड़े विज्ञापन लगाए, उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचारित किया, निजी अस्पताल के नाम के साथ एक ड्राइव प्रचारित की, उसमें उस बोर्ड पे नीचे लिखा है 900 रुपए प्रति टीका। निजी अस्पताल को एक सांसद विज्ञापन में लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि एक मुहिम शुरू की है, आइए टीका लगवाई, सरकारी अस्पताल में नहीं, निजी अस्पताल। और आज रिकॉर्डिंग आती है उसी निजी अस्पताल और उससे संबंधित नर्सिंग होम के सुपरवाइजर की, जो एक गरीब व्यक्ति को भी कहते हैं कि नहीं, 900 रुपए से एक पैसा कम नहीं हो सकता, क्योंकि 700 रुपए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के चाचा हैं रिश्ते में, रवि सुब्रमण्यम को देने पड़ते हैं। बहुत गंभीर मसला है। क्या जनप्रतिनिधियों की यह भूमिका है? यह तो एक बुनियादी सवाल। क्या जनप्रतिनिधि हम जनता की सेवा में इसलिए हैं कि इस तरह से आपदा में अवसर ढूंढें? दूसरा सवाल हमारा, जहां एक ओर सरकारी अस्पतालों में टीके नहीं मिल रहे हैं, उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लोग प्रतीक्षारत हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनको पहला डोज लग चुका है उनको दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, 12 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है, और जो 44 से कम की उम्र का नया नियम आया है उनको पहला डोज भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि टीके उपलब्ध नहीं है। वहीं निजी अस्पताल में ना केवल टीके उपलब्ध हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, बाकायदा जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रचारित करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आइए निजी अस्पताल में लगवाएं। सवाल हमारा यह है कि ये
टीके सरकारी अस्पताल में न मिलकर निजी अस्पताल में कैसे पहुंच रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचाए जा रहे हैं? बुनियादी सवाल हमने आपसे पूछा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसलिए राजनीति में है कि इस तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएं, इस तरह से लोगों को मजबूर करें कि निजी अस्पताल में जाकर टीके लगवाइए, 900 रुपए में खरीदे? मैं आपको इस प्रेस वार्ता के बाद बेंगलोर में किस अस्पताल में कितने में टीके लगते हैं वो जारी करूंगा। इस अस्पताल का भी उसमें कीमत और नाम है। मैं एक और चीज जारी करूंगा जिसमें इसी सप्ताह तेजस्वी सूर्या ने प्रचारित किया, विज्ञापन दिए, इस अस्पताल के साथ अपनी फोटो लगाई, उसमें भी कीमत लिखी, उसमें भी लोगों को आह्वान किया कि टीका लगवाएं। ऑडियो टेप्स तो आपको अनुवाद करने पड़ेंगे, स्थानीय भाषा में है, चैनल चला रहे हैं स्थानीय चैनल्स, मैं ये सब जारी करूंगा। हम यह जानना चाहते हैं कि इन सवालों के जवाब देगा कौन। नड्डा जी देंगे, मोदी जी देंगे जिनके ये आंखों के तारे हैं तेजस्वी सूर्य, जावड़ेकर जी देंगे, स्मृति ईरानी जी देंगी, क्योंकि यहां तो मालूम नहीं पड़ता किस बात का जवाब कौन देगा। हम ये मांग करते हैं तुरंत प्रभाव से तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के बेंगलुरु के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हम यह मांग करते हैं कि रवि सुब्रमण्यम बसवनागुड़ी के तीसरी बार के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं तेजस्वी सूर्या के चाचा के खिलाफ तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज की जाए। और कैश फॉर वोट्स की तर्ज पर जहां सदस्यता रद्द कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी सांसदों, ये कैश फॉर वैक्सीन्स में भी तुरंत प्रभाव से तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक उसी तर्ज पर रवि सुब्रमण्यम विधायक की भी कर्नाटका विधानसभा से सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग है। हमारी तीसरी मांग है कि महामारी के बीच जहां लोग परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं मिल रही उनको वैक्सीन, बीच महामारी के सरकारी कोटे की वैक्सीन निजी अस्पतालों में पहुंच जाए और वहां 900 रुपए में बिके, जहां से जिसमें से 700 रुपए एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक के पास जा रहे हो। हम यह मांग करते हैं कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। जनता को अगर बचाना है, कर्नाटका की जनता को अगर बचाना है कालाबाजारी से और इस तरह के भ्रष्टाचार से, तो तुरंत कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, अलावा इसके कर्नाटका की जनता को बचाना मुश्किल होगा। हमें तो शर्म आती है सोचते हुए कि हम उसी जनसेवा का हिस्सा है, उसी राजनीति का हिस्सा है, जहां इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, जिनको लोगों के आंसुओं से कोई मतलब नहीं, लोगों की मजबूरी से कोई मतलब नहीं, किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, किसी की बीमारी से कोई मतलब नहीं, कोई असहाय हो उसका कोई मतलब नहीं, किसी की निर्धनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें यहां भी मुनाफाखोरी करनी है, कालाबाजारी करनी। मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आपसे, आए थे आप संसद के सामने, आपने सर झुकाया था, अब आप सर उठाकर चलने के लायक नहीं है जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। झुकाइए सर वापस से, माफी मांगिए देश से और ये तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मेरे साथी भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, एक तुलना आपको भी करनी चाहिए, आप भी कर रहे होंगे, कहां कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पूरे विश्व में नाम कमाया, ऐसे मौके पे 24 घंटे सेवारत रहे, आज भी हैं, और कहां समकक्ष रखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को।
शर्म आ जाती है, ग्लानी होती है। यह तुलना मैं नहीं करना चाहता हूं, यह तुलना करते हुए बुरा लगता है, लेकिन सबके सामने मैं अंग्रेजी में इसी बात को रखूंगा, उसके बाद तब तक श्रीनिवास जी भी आ जाएंगे। टुडे सम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वर लीक्ड इन द लोकल मीडिया ऑफ कर्नाटका वेयर मिस्टर रवि सुब्रमण्यम, थर्ड टर्म एमएलए फ्रॉम बसावनागुड़ी कर्नाटका, बीजेपी एमएलए थर्ड टर्म एंड रियल अंकल ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बेंगलुरु तेजस्वी सूर्या, हु इज ऑल्सो द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा, वेयर इन दोज ऑडियो रिकॉर्डिंग्स supervisor of a private hospital clearly tells a member of the public that per vaccination he will have to pay 900 rupees, not a penny less. The supervisor also tells this gentleman on telephone 700 rupees of these 900 rupees have to be given to Mr. Ravi Subramaniam, BJP MLA from Basavanagudi, Karnataka, uncle of Tejaswi Surya. These are shocking, startling revelations. It's like getting caught red-handed. This is a private hospital. There is a background to this, very, very revealing background to this, which seals the entire case, makes it a open and shut case. What is that background? Earlier this week, this BJP MP, Tejaswi Surya, who is also the national president of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, had advertised his own picture along with this hospital, with which there are nursing homes also attached, exhorting people, asking people to get vaccinated from this hospital. On those very hoardings, banners, the price per vaccination, which is 900 rupees, was also mentioned. The name of this private hospital was also mentioned. The name and photograph of the BJP MP was also there. I'll be sharing all this with you after the press conference. There are several questions, but the fundamental question of principle, I often go back to the principle, the primary cause why we are all in politics. Is this why we are in politics? To take advantage of an emergency. To take advantage of the helplessness of people. These are fundamental questions which we must keep asking ourselves, which we must keep asking each other. Otherwise, temptations are huge for everyone. The real test is, do we succumb to those temptations? We want to ask, we don't know who to ask. Mr. Nadda, Ms. Smriti Irani, Mr. Javadekar, Mr. Harshvardhan, Mr. Prime Minister, because after all, this Tejaswi Surya is the blue-eyed boy, we are told, of the Prime Minister. We demand answers. How on earth were vaccines being diverted from government hospitals to private hospitals? The same private hospitals which your blue-eyed boy, Tejaswi Surya, was advertising this week? How on earth do we have shortages of vaccines in government hospitals, but they're available in private hospitals in Bengaluru and other parts also? We also want to place some demands. The member of parliament from Bengaluru, Mr. Tejaswi Surya, national president of Bharatiya Janata Yuva Morcha, there should be an FIR lodged against him today, Mr. Prime Minister. There should be an FIR lodged against his uncle, BJP MLA, third term MLA, Mr. Ravi Subramaniam from Basavanagudi.
I give you a precedent of cash for votes, where memberships were snatched. This is cash for vaccines. The membership of Tejasvi Surya from the parliament should be ended immediately, with immediate effect. We owe it to the people of Karnataka. The membership from the Karnataka Assembly of Mr. Ravi Subramaniam, third term BJP MLA from Basavanagudi, should be ended right now. We owe it to the people of Karnataka. If we want to save lives of people of Karnataka, this is hardly any sacrifice for you, Mr. Prime Minister. This is the least you can do. We all remember when you entered the parliament, you bowed before the parliament. You bowed your head before the parliament. You can't walk with your head high today because of the kind of activities your people are indulging into. We are not even talking about your own errors of omission and commission. We will do that again later. We have been doing that in the past. Today, we expect you to act. These two gentlemen should be arrested. After all, Karnataka has given you a government which you took it from the back door. The Karnataka has also given you MPs. You cannot backstab the people of Karnataka the way you're doing it. Please apologize to every single voter, every single citizen of India, and take action against Tejasvi Surya, your MP, your blue-eyed boy, your national president of Bharati Janata Yuva Morcha, and his uncle, Ravi Subramaniam, three-term BJP MLA from Basavanagudi. Your questions, please. My colleague, the Youth Congress president, is here. Srinivas is here. I don't want to say it. I hate to compare, but the comparison is for everyone to see. Here is Mr. Srinivas. Sir, 24/7, he has been working, serving the people amidst a health emergency, putting his own life at risk and that of his own colleagues, other colleagues. And there you have Bharati Janata Yuva Morcha president indulging into black marketing, indulging into diverting vaccines from government hospitals to private hospitals and selling it on premium, pocketing 700 rupees per vaccine, his uncle. Your questions, please. Mr. Srinivas, would you like to add something? I hope you were able to listen to what I said. I think you should add something to this. Yeah, you should add. Ask them to park the car, Srinivas. Sir. Sorry, sir. I was in the interior. I didn't get the network. No problem. I'm going to join you. Sir, today, I was listening to you a little bit on the local channels. इस वैक्सीनेशन का किस तरीके के जो आम लोगों को मिलने का था वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी लगातार लोग आ रहे हैं वापस जा रहे हैं वैक्सीन नहीं है उस समय में इन लोग ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल का किस तरीके के जो कैंपेनिंग किया इन लोग ने तो किस तरीके के इन लोग ने वहां जो बातें निकल के आ रहे हैं जो उस पे कमीशन की बात आई है ये कमीशन किस किस को जा रहा है ये पता ना होना चाहिए इसमें किस किस को जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट में किस को जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में इनका मिनिस्ट्री को कितने परसेंट जा रहा है ये तो बीजेपी हमेशा ये कमीशन पार्टी है आपदा में अवसर ढूंढने में नंबर वन है अभी इसका पहले भी कर्नाटक में जो बेड स्कैम करके बहुत बड़ा हंगामा किया उसमें भी नफरत फैलाने का कोशिश किया इनका जो टूल किट है बीजेपी का टूल किट है जो बीजेपी का टूल किट में पहले जो बेड का आया उसके बाद अभी जो वैक्सीन का भी आ गया इनका बीजेपी टूल किट का और इनका ऐसे ही बहुत सारा स्टेट में ऐसे ही टूल किट है बीजेपी का नफरत फैलाना कमीशन खाना घोटाला करना इसके अलावा इनके पास ये नहीं है ये सरकार इस तरीके के काम इन लोग ने कर रहा है ये जनता के सामने आके माफी मांगना चाहिए जिस कोरोना महामारी में किस तरीके के लोग फाइट कर रहा है जो कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो सबको वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है इस समय में वैक्सीनेशन को इन लोग ने किस तरीके का सेल कर रहा है जो भी इनका बात बाहर आ चुका है पोल खुल चुका है इनको शर्म आना चाहिए
जी श्रीनिवास, आप गाड़ी रुकवा लीजिए अपनी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन भाई ने 3 मांगे रखी हैं। उन्होंने इसके खिलाफ FIR करने की मांग रखी है, इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग रखी है और इनकी गिरफ्तारी करने की भी मांग रखी है। आपसे हम सवाल जवाब करेंगे। मैं प्रश्न लेता हूं पहले अपने साथियों से, अपने प्रश्न इंगित करिए, पवन भाई आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। योर क्वेश्चन प्लीज। सर पूछूं? हाँ प्लीज पूछिए। जी तो पवन सर, सवाल मेरा ये है कि ऑडियो, कथित ऑडियो रवि सुब्रमण्यम का लीक, रवि सुब्रमण्यम के बारे में लीक हुआ है, तो इसमें आप लोग तेजस्वी सूर्या पर कार्रवाई की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं? और दूसरी बात यह कि जो अस्पताल है उसका क्या, मतलब उसका क्या कनेक्शन है रवि सुब्रमण्यम और तेजस्वी सूर्या से, इसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं क्या? मैं वैसे ये जारी करूंगा जने, लेकिन यह वो एडवर्टाइजमेंट है, पता नहीं आपको कितना स्पष्ट तौर पे इसमें दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट है ऑलरेडी। मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज भी दूंगा, प्रणव जी के पास है शायद ये, जिसमें तेजस्वी सूर्या विज्ञापन है उनका, अस्पताल का नाम है, कीमत है टीके की, और वो खुद ही इसको प्रचारित कर रहे हैं कि यहाँ आकर टीके लगवाइए। एक सांसद है, सरकारी अस्पताल में टीके उपलब्ध न करा पाए और प्राइवेट में करा पा रहे हैं, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, 900 रुपए में बिक रहा है, जिसमें आज ये खुलासा हुआ कि 700 रुपए इनके अंकल के पास जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या का हम नाम क्यों ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या ने स्वयं अपना नाम उस अस्पताल के साथ इस विज्ञापन में लगाया है, जिस अस्पताल के बारे में आज ये खुलासा हुआ है। आपने एक ही सवाल पूछा था ना? वही था, उसमें ये भी था कि मतलब विज्ञापन तो ये देख लिया था कि और कोई मतलब कनेक्शन भी है क्या अस्पताल का, कि मतलब मालिकाना हक वगैरह के तौर पे कि और कोई कनेक्शन भी है क्या तेजस्वी या रवि सुब्रमण्यम का इस अस्पताल से, ये बस जानकारी के लिए। मैं इतना जो जानता हूँ वह हम आपके सामने जरूर रखेंगे, जो हम नहीं जानते, हमारी वो आदत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि हम हवा में कुछ बात करें। लेकिन हाँ, दो चीजें स्पष्ट हैं, तीन चीजें। एक कि इसी सप्ताह तेजस्वी सूर्या ने इस अस्पताल के बारे में और वहां टीका लगवाने के लिए लोगों को बुलाने के लिए एक विज्ञापन दिया था। दूसरा, तेजस्वी सूर्या रवि सुब्रमण्यम चाचा भतीजा हैं, रवि सुब्रमण्यम उनके चाचा हैं। और तीसरा, दोनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बेंगलुरु के सांसद भी हैं, और रवि सुब्रमण्यम बसावनागुड़ी के तीसरी बार के वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता। ये तीनों चीजें स्पष्ट हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। रही बात अस्पताल किसका है किसका नहीं है, ज्यों-ज्यों ये जानकारी या तो आपको पहले मिलेगी या हमें, जब भी जिसको भी मिले वो साझा होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। अगला सवाल आनंद पटेल जी का, इंडियन रेलवे से। आनंद पवन सर, माई क्वेश्चन इज अबाउट अनदर ट्वीट बाय बीजेपी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा। नाउ व्हाट ही इज डन इज ही इज कोटेड अ कपल ऑफ पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स एंड बेसिकली ही टारगेटेड द कांग्रेस पार्टी सेइंग दैट द टूलकिट व्हिच द कांग्रेस सर्कुलेटेड इज नाउ शोइंग रिजल्ट्स दैट द पाकिस्तान इवन इज कोटिंग the virus, new virus, the strain of the virus as Indian strain, Indian strain, they're calling it. So he's saying that the Congress mission of defaming India is successful. The Indian strain? Take this chart. Fair enough. Okay. Anand, unfortunately for the BJP and for the country, these people shoot their mouths without doing basic research on what their own government did in the Supreme Court. I'll send you through Pranavji part of the affidavit filed by the government of India in the Supreme Court, in which the government mentions Indian variant, Indian mutant, Indian double mutant strain. This is the government of India. The obsession with Pakistan
is something now people don't even find it funny. For God's sake, this is a crisis situation. You cannot afford to distract your own attention or the country's attention from the here and now. The crisis is here and now. Crisis in every household, every village, every town, every family. I ask all of you, you pick up the phone and call up any friend. You don't need any survey, any data. Just pick up the phone and call up any friend. You would hear either news of bereavement, sickness, helplessness, fear. You don't need any country, anything. Right now, it's your country, our country, my country, which is in danger. All these stunts that Mr. Patra or whoever he is wants to do, he can do in peacetime. This is crisis time, for God's sake. Supreme Court mein to aapne khud halafname mein jo likha hai, kya woh bhi rashtra virodhi hai? Kya Bharat sarkar bhi Bharat ke virodh mein halafname mein woh naam likh rahi hai? Sharam nahi aati in logon ko is tarah ki baat beech health emergency ke karte hue, jahan har parivar mein koi na koi matam hai, हर गांव में दुख है, हर जगह से अर्थी उठ रही है या मैयत उठ रही है, अभी भी इन्हें पाकिस्तान को खेलना है, ये कब सुधरेंगे? आप, मैं कह रहा हूं किसी आंकड़े की जरूरत नहीं है, आप जो हम यहां बैठे हैं फोन उठाइए, किसी रिश्तेदार किसी दोस्त से बात करिए, किसी ने सबने कुछ ना कुछ गवाया है पिछले तीन महीने में, दो महीने, सबको कुछ ना कुछ खो जाने का डर है, अपने किसी प्रियजन को गंवाने की का एक भय है या गम है। ऐसे में भी इनको इस तरह के खेल खेलने हैं, हल्की बातें करनी है, कोई माफ करेगा इनको? नेक्स्ट, थैंक यू। अगला सवाल मोहित दुबे, न्यूज स्टेशन से। मोहित जी नमस्कार, मेरा सवाल है आपसे। नमस्कार मोहित जी, ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने पीएमओ पे आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ झूठी खबरें पीएमओ के माध्यम से चलाई जा रही हैं और वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सम्मान करती हैं उनको, और उनको खुद इंतजार करना पड़ा था, उन्होंने किसी को इंतजार नहीं करवाया। क्या कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपसे पूछता हूं, इसी से जुड़ा सवाल है। हाँ मोहित ने पूछा, उसी से जुड़ा सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से एक रिलीज भी दिया गया है जिसमें इस मुद्दे पे वो ममता बनर्जी के साथ हैं, तो इस पे भी आपकी टिप्पणी। मैं, आप दोनों ज्ञानी हैं, मैं आप दोनों से पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, जब इतना बड़ा संकट हो तब प्रोटोकॉल की चिंता किसी एक ही व्यक्ति को मैंने देखा है बार बार होती, वो है नरेंद्र मोदी। मेरे सामने झुके क्यों नहीं, मेरे सामने बोल कैसे दिया, मैं आया आप आए क्यों नहीं, क्या ये देश का प्रधानमंत्री है? इतना असुरक्षित क्यों है? मेरे देश का प्रधानमंत्री 303 सीटें हैं, उसके बाद भी इतना असुरक्षित क्यों है कि उसके सामने कोई नहीं बोल सकता कि कोई देर से कैसे आ गया, मुंह कैसे खोल दिया? आप भी मुख्यमंत्री थे एक जमाने में, आप भूलना चाहते हैं कई चीजें जो उस वक्त आपने की और कही थी, भूलने नहीं देंगे हम आपको। आपने जानबूझकर उस वक्त प्रधानमंत्री की बैठकों का में नहीं आए थे, क्या आप भी उस वक्त के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे थे? आज संकट का समय है, आज जो आप बार बार कहते थे आप प्रधान सेवक हैं, आज बन के दिखाइए, थोड़े से सेवक, प्रधान तो छोड़िए, आज भी आप अपने आप को शहंशाह और बादशाह मान के चल रहे हैं। मुझे हरा कैसे दिया, मेरे कमरे में देर से कैसे आए, मेरे सामने मुंह कैसे खोल दिया? अरे कुछ तो सोचिए, ये देश आपसे उम्मीदें लगाकर आपको वोट दिया था,
एक एक वोटर की उम्मीदों को कुठाराघात आपने किया है और आज भी प्रोटोकॉल की सुझ रही है आपको। और उसके बाद भी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मैं अगला सवाल लेता आपने हूं। आपने इसका जवाब नहीं दिया कि जो एक औपचारिक बयान जारी कर आपकी तरफ से ममता बनर्जी रिपोर्ट किया गया उस पर। तो बयान तो औपचारिक जब आ ही गया तो उसमें और क्या कहूं। आज हम सब जो भी राजनीति में हैं इस देश के उस एक एक व्यक्ति के साथ हैं जिसने कोविड नाम की बीमारी को बहुत करीबी से देखा है, जिसके परिवार ने बहुत करीबी से देखा है, जिनके परिवारों ने मौत को बहुत करीबी से देखा है। आज हम प्रोटोकॉल्स के साथ नहीं है, आज हम किसी की बदले लेने की भावना के साथ नहीं खड़े हो सकते। चुनाव आते हैं जाते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, उसके बाद सरकार चलानी होती, कोई राज्य में सरकार चलानी होती, किसी को केंद्र में सरकार चलानी होती। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास लेश मात्र भी हमें नहीं दिख रहा। धन्यवाद पवन जी। अगला सवाल लेना सर। नमस्कार सर, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि सेंचुरी बनी है जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में, मुंबई में 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया। और दूसरा सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज सिटीजनशिप के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइट करी है जिसमें नॉन मुस्लिम्स को ही इनवाइट किया गया है, जो रिफ्यूजीज हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट गुजरात राजस्थान की हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की ऐसी जगहें हैं जहाँ से एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? आपका पहला सवाल क्या था सिद्धार्थ? सर पहला सवाल ये था कि 100 रुपए सेंचुरी पार कर गए हैं जो पेट्रोल डीजल पे। बार बार हम इस मंच से हमारे अलग अलग नेता यह मांग करते आए हैं कि केंद्रीय उत्पाद जो सेंट्रल एक्साइज है उसकी जो बेतहाशा वृद्धि पिछले 7 साल में हुई है उसमें कुछ कमी भी कर लें तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। आज जब अलग अलग स्वरूप में लॉकडाउन है पूरे देश में, लोगों को बहुत मुसीबतें, आर्थिक मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा हमारी पंजाब सरकार ने राहत दी बिजली के बिलों में। हर सरकार को कुछ राहत देने की एक खुद एक जज्बा होना चाहिए कि सबको मालूम है क्या हालत है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल और डीजल जिसके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2014 की तुलना में बहुत कम हो चुके हैं, आधे हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2014 की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इतनी राहत खास तौर पे तब जब आर्थिक रूप से बहुत मुसीबतों का सबको सामना करना पड़ रहा है, सबको, सैलरीड क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, एमएसएमईज हो, तमाम लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो इतनी राहत तो बनती है। केंद्र सरकार को सिर्फ चुनावों के वक्त कीमतें बढ़ने से रोक देना और उसके बाद फिर से बढ़ाने देना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। रही बात आपकी जो दूसरा सवाल है उस पर हम एक अलग प्रेस वार्ता करेंगे, शीघ्र करेंगे। आए थे ये लोग विकास का एजेंडा लेकर, अपने एजेंडे का विकास कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, लेकिन इस पर एक विस्तृत प्रेस वार्ता शीघ्र की जाएगी। धन्यवाद। एक सवाल मीनाक्षी भट्टाचार्य जी हैं सनमार्ग से, बंगाल से। मीनाक्षी जी नमस्कार। पवन जी नमस्कार। क्या ये नमस्कार जी, जो साइक्लोन के बाद एक तो इलेक्शन के टाइम पे राहुल गांधी जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कोरोना के चक्कर में, साइक्लोन के टाइम में आपको क्या नहीं लगता कि कोई सेंट्रल से बड़ा बड़े आदमी, कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से कोई लोग वहां जाके विजिट करे, लोगों से मिले? आपने तो बंगाल को बिल्कुल छोड़ ही दिया, बंगाल ने आपको कल... नहीं नहीं मीनाक्षी जी ऐसा नहीं, कल आपने देखा था ना एक बड़ा आदमी गया था ना बंगाल, कहां है तूफान के बाद, आप सबने देखा ना वो बड़ा आदमी बंगाल में जाकर क्या किया। नहीं नहीं उनकी बात छोड़ दीजिए, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूं, उस पर भी आ रहा हूं। हर चीज का एक सही वक्त है। आज राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन लोगों को दो मारों से बचा रहा में लगा हुआ है। कोविड अपने आप में बंगाल में एक बहुत विकराल रूप ले रहा है और ये साइक्लोन, ऐसे में हमारे कार्यकर्ता भी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं लगातार। केंद्रीय नेतृत्व, हमारे महासचिव
की मार्फत निगरानी रखे हुए हैं उन राहत कार्यों पर। और राहत कार्य जब मैं बोलता हूं तो दोनों राहत कार्य हैं, कोविड के राहत कार्य भी हैं और इस साइक्लोन के राहत कार्य भी हैं। पूरी निगरानी है, उनसे संपर्क में है और सही वक्त पर ही केंद्रीय नेतृत्व को वहां जाना चाहिए। अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि भीड़ जुटाई जाए, जहां भी कोई बड़ा नेता जाएगा भीड़ भी होगी, अभी माहौल ऐसा नहीं है। कोविड अभी वहां जो वेव है कोविड की बहुत बड़ा विकराल रूप, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां दिख रहा है। ऐसे में हमारे राज्य की इकाई ने भी यही सलाह दी है कि यह सही वक्त नहीं है। अभी वक्त है लोगों को राहत पहुंचाने का, अभी वक्त है लोगों को भीड़ में न जुटाए जाने का। मेरे ख्याल सिंह को खुद भी पता है कि अभी लॉकडाउन है यहाँ भी और मेरे ख्याल से वहां भी, तो कैसे कोई यात्रा कर सकता है। और कोई नहीं है तो मैं एक सवाल और कर लूं। बंगाल में ही है, बंगाल के ऊपर ही क्या, वहां पे तो कांग्रेस को नकारा आम जनता। मीनाक्षी, मीनाक्षी we'll give you, every time you ask a question we give you a chance, please let us conduct it the way we want. फिर अगली बार पूछ लीजिएगा। श्रीनिवास, can we hear you? Are you there? हाँ, yes sir. वीडियो दिख रहा है? या नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था सर। Before winding up, I wanted to ask you, you travel long distance, 100 kilometers चल के आए हैं। सारे पैंडेमिक के दौरान भाजपा का लगातार आपके ऊपर आक्रमण रहा कि कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है मदद करने के नाम पर। आप खुद कर्नाटक से आते हैं, भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष वो भी कर्नाटक से आता है, और आज जब आपके सामने ये ऐसी घटना आती है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़े पहले राज्य कौन सा भी हो, मैं कर्नाटक से आता हूँ, ये कर्नाटक से, बट इस कोरोना महामारी में ऐसे काम कहीं भी होना नहीं चाहिए इस तरीके के। इन लोग ने जो किया है, जो उस हॉस्पिटल से किस तरीके का जो वॉइस रिकॉर्ड जो अभी वायरल हो चुका है, इस समय में लोगों को बचाना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। देश को बचाना है तो सब लोग मिलके, राजनीति छोड़ के, इनका जो भी कमीशन है वो भी सारे चीज छोड़ के, सब लोग एक होके अभी मदद करना चाहिए लोगों को। हम सब लोग मिलके, हम लोग ने लगातार आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी का आदेश पर हम लोग लगातार लोगों को, जनता का सेवा करने में लगे है, बट ऐसे ऐसे काम इन लोग ने कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतनी बड़ी आरोप इन लोग ने पहले भी लगाया था टूल किट के नाम पे, तो टूल किट का मेंबर लोग ही है इसमें जो जो उस टूल किट को लगाया था। कहीं ना कहीं दुखी का बात है, बहुत दुख होता है इस देश में, इस संकट समय में भी इन लोग ने आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, और भगवान भी इन लोग को माफ नहीं करें। जी जरूर। एक सवाल है श्रीनिवास के लिए। श्रीनिवास, आप अभी कर्नाटक में हैं, बेंगलुरु में हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है, थोड़ा हमें बताइए कि वहाँ पे जैसे मदद के लिए आपके पास गुहार, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन सब इलाकों से आते थे, कर्नाटक में जमीनी हालत क्या है, वहाँ पे किस तरह से आपके पास मदद की गुहार आती है? देखिए, मैं अभी कर्नाटक से बेंगलुरु से 250 किलोमीटर हूँ, जो शिवमोगा पोर्ट है उस तरफ था। अभी पूरा राज्य में आप कहीं भी देख सकते हैं किस तरीके के लोग परेशान है। आज भी केसेस बढ़ रहा है, सही तरीके से वहाँ हॉस्पिटल में बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ना इंजेक्शन मिल रहा है, ना अभी वैक्सीनेशन, तो कई कई दूर दूर तक आम लोगों को किस तरीके के लोग कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा कोई ना वैक्सीन मिल रहा है ना कुछ है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उसको इन लोग ने प्रचार भी कर रहा है, बट सरकार को कोई विजनरी नहीं है, ये टेलीविजन सरकार है। यहाँ इस समय में लोगों का बारे में इनका सोचने का था, हॉल पार्टी मीटिंग करने का था, बट सारे बीजेपी का नेता सीएम बदलने में लगे हैं, इनके कुछ नेता दिल्ली में पड़ा है,
कुछ नेता रेसॉर्ट पे पड़ा है, इनको जनता के बारे में कोई लेना देना नहीं है, जरा भी इनके दिल के अंदर आम लोगों के बारे में इस कोरोना को तो इन लोग ने इवेंट बना के रख दिया, कभी कोरोना को सीरियस ही नहीं लिया ये सरकार ने, अभी इन लोग ने सीएम बदलने में लगे, ये हालत है ये सरकार बीजेपी का, इनका संतरी इनका है, मंत्री इनका है, सिस्टम इनका है, फिर भी लोग सड़क पे घूम रहे हैं, ये इन लोगों को कोई विजनरी नहीं है, यही कहना चाहते। श्रीनिवास जी थोड़ा सा है कि अगर आप जो आपने पूरा बेंगलोर वाला इशू उठाया इसे आप कन्नड़ में थोड़ा ब्रीफ कर दें। हाँ, आज इवत्तु एनु वंदु बेंगलूर नल्ली एमएलए रवि सुब्रमण्य अवरु एनु वैक्सीन विचारवागि एनु वंदु अदरल्ली कमीशन विचारवागि एनु मातुगळु अर्धाड्ता इदावे, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದಾರೆ, ಬರೀ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ವರೆಗೂ, ಯಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಂತು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾರ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಇವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾವನ್ನೇ ಆಡಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಇವರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ರು, ಅದೇನಾಯ್ತು ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜವಾಬ್ದಿಲ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಗರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಫಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಯಾರೇ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ವಾಯಿ ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಿ. ಮೈ ಆಖರಿ ಸವಾಲ್ ಲೇತಾ ಬಾಬಾ ಜಿ, ಮುಜೆ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಆಪ್ಕೊ ಸಡಕ್ ಸೆ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ನಿ ಹೈ, ಆಖರಿ ಸವಾಲ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪುಷ್ಪಾ ಚಾಟಿ ಟಿವಿ 9 ಸೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ, मेरा सवाल दोनों से है, पवन जी से भी और श्रीनिवास से भी. पवन जी, सबसे पहले आपका सवाल है वो वैक्सीनेशन को लेकर है. हर स्टेट में अब सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी है, सेंटर्स बंद है, और अभी IIT दिल्ली ने प्रिडिक्ट किया कि अगर थर्ड वेव आ गई तो लगभग हर रोज में 45,000 केसेस तो अकेले दिल्ली में हो गए. तो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, वैक्सीन है नहीं और लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. दूसरी तरफ श्रीनिवास से क्वेश्चन है कि आज जो है ये हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने एक कैंपेन भी अपना लॉन्च किया है जिसमें वो वैक्सीनेशन को लेकर कोविड टास्क फोर्स को आप लोग लेकर आए हैं, उसमें लोगों के आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं क्या है वो. जी सुप्रिया, बात जो आपने कही ये बहुत बड़ी चिंता का विषय ना केवल हम सब जो कांग्रेस में होंगे, पूरे देश के लिए है, पत्रकारों के लिए है, हम सब के लिए. कल राहुल जी ने भी इस बारे में प्रेस वार्ता की थी, सरकार को फिर से एक बार आगाह किया. अब कहा जा रहा है कि बाब आप बार बार क्यों सरकार, हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, आगाह नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा. जनवरी में आप जाकर वैक्सीन का ऑर्डर देते हैं, दूसरा ऑर्डर अप्रैल की 28 को देते हैं, आपको क्या तैयारी नहीं थी? आप अप्रैल में पीठ भी थपथपा रहे हैं अपनी कि देखिए हमने वैक्सीन के बगैर ही जीत ली जंग. तो जब कोई देश का राजा इस तरह की मानसिकता बार बार दिखाए तो देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है. और अब तो सबके सामने है जो हो रहा है, जो हुआ है वह भी सबके सामने, जो हो रहा है वह भी सबके सामने, और जो होने वाला है उसको टालने के लिए जो भी बन सके हम सबको करना है. हम विपक्ष में हैं, आप मीडिया में, हम मिलकर इस सरकार को बार बार झकझोर रहे हैं कि जागिए और कुछ इंतजाम कीजिए. एक देश में चार चार पांच पांच दाम नहीं हो सकते. इतना बड़ा देश, उसमें आपने वैक्सीन का प्रबंध नहीं किया,
अब तक तो पीठ थपथपा रहे थे कि हमने विदेशों में दे दी, अब विदेशों से लेने जा रहे हैं। जो भी करना है अब तो कीजिए, आपकी गलतियों से ये नतीजा पूरे देश ने भुगता है। हम नहीं चाहते कि देश का एक भी नागरिक, आपकी इन गलतियों से एक भी नागरिक की जान जाने जाए। इसलिए वैक्सीन की जो कमी है वो चिंता हम सबको खाए जा रही है, आपको खाए जा रही है, पूरे देश को इस बात की चिंता है। वो कैसे दूर होगी उसका उत्तर माफ कीजिएगा सिर्फ मैं ये भी नहीं कहूंगा सरकार के पास, तो अब तक सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ओके श्रीवास जी। हाँ, कांग्रेस ने जो कोविड सेवक जो बनाया है, इस देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग है, माइग्रेंट लोग है, मजदूर लोग है, वो लोग किसी को भी स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते उन लोग, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल भी नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग ने जाके घर घर जाके उन लोग के लिए एनरोल करना, एनरोल करके उनको ओटीपी आएगा, डेट आएगा, वो डेट सारे निकाल के उनको हाथ में देंगे और कौन सा सेंटर है वो भी उनको बताने का काम हम लोग ने उन लोग के लिए गाइड कर रहे हैं। दूसरा चीज है, एक मोबाइल में चार ही लोगों को वो रजिस्टर हो रहा है। ऐसे जगह पे हमारा जो कार्यकर्ता का किसी का नंबर अवेलेबल है उस पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उस पे भी हमने मदद करके लोगों को कहीं ना कहीं से किसी का ये ना छूटे, मैक्सिमम लोगों को उनका एनरोल करे, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा दे, उस तरीके का ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। ये लगातार ऑलरेडी देश भर हम लोग ने इसको चला रहा है और NSUI तरह से भी इसको वैक्सीन को लेके वो लोग भी बहुत सारे जगह पे कॉल सेंटर बना दिया है वो लोग ने मदद करने के लिए। ये लगातार और आगे जाएगा। खुद मैंने कम से कम 500 लोगों तक खुद मैंने एनरोल करके कर दिया था लास्ट दो दिन पहले। अभी सारे पूरा कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी का सारे कार्यकर्ता ये ज्यादा लोगों को एनरोल करना, अवेयरनेस करना, कौन से इस पे जाना है, इस सेंटर पे जाना, वो सारी उनको डिटेल्स देने का काम पूरा हम लोग करेंगे। प्रणव जी, जरा एक सवाल पूछें अगर आपकी मेहरबानी हो तो। मैं राकेश कपूर बोल रहा हूँ। लंबा हो गया कपूर साहब। नहीं, मैं जरा एक संशोधन करना चाहता हूँ, जो गलत बात हो रही है लगातार। वो खेड़ा जी, ये कैश फॉर वोट्स नहीं था जिस पे मेंबरशिप गई थी, ये कैश फॉर क्वेश्चन था, कैश फॉर क्वेरीज था। सॉरी, हाँ, कैश फॉर क्वेरीज था। अच्छा, दूसरा, for so far the membership of these two persons are concerned, the process is very simple. You have to reach to Lok Sabha speaker for that young guy, and to state assembly's speaker for his uncle. To ye aap ye rasta kaise nikalenge isme, to mamla jo hai wo bahar hi ho raha hai na sara. Nahi, bilkul. इसका प्रेसिडेंट आपने जो सही फरमाया कि कैश फॉर क्वेश्चंस था, वो प्रेसिडेंट हम इस्तेमाल करेंगे। हम अभी आज तो प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और नड्डा जी और जो भी अपने आप को बहुत बड़ा शासक समझते हैं, इन सबसे उम्मीद करते हैं कि कर्नाटका की जनता को निजात दिलाएंगे इस तरह के भ्रष्टाचारियों से। वो बात सही। अभी तो हम इनसे अपील कर रहे हैं, उसके बाद जो रास्ते संविधान सम्मत रास्ते जो सामने हैं वो तमाम सब अपनाए जाएंगे। हम उनसे कुछ नैतिकता की भी अपेक्षा करते हैं कि वो नैतिक आधार पर जो है खुद निर्णय करें। छोड़ दीजिए वो सारी बातें, वो पॉलिटिक्स जी। तो आपने देखा कि कैसे कर्नाटक में वहां के विधायक, सांसद और भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैक्सीन के नाम पर लोगों से पैसे की उगाही कर रहे हैं, लेकिन यह पहला मामला नहीं है। आपदा में अवसर का ठीक ऐसा ही मामला पिछले साल लगभग एक साल पहले 27 मई को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। वहां के अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो PPE किट डॉक्टरों को देने के मामले में रिश्वत ले रहे थे। तो ये है पार्टी विद द डिफरेंस की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि जनता की आंखें खुलेंगी और आप भी हमें प्रमुखता से जगह। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भाई, बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग।